दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको ओ हेनरी द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है द लास्ट लीव। दोस्तों ये स्टोरी जो लास्ट लीव स्टोरी है ये ओ हेनरी की बहुत ही वेल नोन स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर जो आर्टिस्ट की जो बहमन लाइफ होती है उसको बताया गया है। एक जो ये टर्मिनोलॉजी है बहमनिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल ऑफन इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल एंड फ्यू विथ फ्यू परमानेंट टाइज। इट इन्वॉल्व्स म्यूजिकल आर्टिस्टिक लिटरेरी और म्यूचुअल और स्पिरिचुअल परस्यूट्स। मतलब ये बहमनिज्म एक लाइफ स्टाइल है जिसके अंदर लाइक माइंडेड पीपल मतलब एक जैसे जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और उनकी जो इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे होते हैं तभी वो एक साथ रहते हैं। और वो मतलब किसी तरह की किसी आर्टिस्ट हैं कोई सिंगर हो गया कोई पेंटर हो गया या कोई और प्रकार का कोई आर्टिस्ट हो गया है ना वो एक साथ रहते हैं और साथ साथ जो भी उनको काम करना है अगर उनको ड्राइंग करनी है पेंटिंग करनी है म्यूजिक करना है कुछ राइटिंग करनी है कोई बुक लिखनी है नॉवल लिखना है तो वो साथ साथ रहते हैं ताकि एक दूसरे को उससे हेल्प मिल सके। मतलब वो कहते हैं ना डॉक्टर डॉक्टर से शादी करता है या बैंकर बैंकर से शादी करता है तो मतलब कुछ उस तरह की बात हो गई कि वो एक जैसे आर्टिस्ट साथ रहते हैं ताकि उनकी जो स्किल्स है और ताकि जो उनके आइडियाज हैं वो एक दूसरे से उनको हेल्प मिल सके। तो ये कहानी एक तरह से जो बहमन लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट है उसके बारे में है थोड़ा सा उसके आधार पर है और थोड़ा सा उसके उस माहौल के अंदर है। तो अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं कि एक वाशिंगटन स्क्वायर के अंदर एक लिटिल डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर क्या था कि जो उस जगह के अंदर वहाँ पर मतलब जो गलियाँ थी वो बहुत ही आड़ी टेढ़ी थी उनमें बहुत सारे एंगल्स थे कर्व्स थे तो क्योंकि जो गलियाँ थी वो काफ़ी आड़ी टेढ़ी थी तो उससे क्या है कि जो कोई टैक्स कलेक्टर या कुछ जो बिल्स को कलेक्ट करता है वहाँ पर जो उस समय के अंदर जो एक बिल्स का कलेक्टर करने वाला कोई अथॉरिटी हुआ करती थी तो वो आके बिल्स कलेक्ट करती थी तो क्योंकि वो जो गलियाँ थी उस मोहल्ले की वो काफ़ी टेढ़ी बाकी थी तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज हो जाता था तो होता ये था कि कई बार वो बिना बिल लिए ही चले जाता था। तो जो नए आर्टिस्ट थे जिनके पास कोई पैसे नहीं थे उनको वो इसलिए वो गलियाँ और वो मोहल्ला इसलिए लुभाता था कि भाई यहाँ पर अगर बिल लेने वाला आएगा भी तो भी कन्फ्यूज हो जाएगा और हमसे बिना बिल लिए ही चले जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली जो नए आर्टिस्ट है अमेचर आर्टिस्ट है उनके पास पैसे तो है नहीं अभी इसलिए वो इस तरह की चीज़ सोचते थे कि यार अगर वो कन्फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर बिल कलेक्टर वाला तो बिल लेके नहीं जाएगा तो हमको पैसे देने से हम बच जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि ऐसा करते करते जो वो जगह थी जिसका नाम था ग्रीनविच विलेज वो धीरे धीरे जो कॉलोनी ऑफ आर्टिस्ट्स बन गई। मतलब जो ग्रीनविच विलेज है इस जगह का नाम वो एक कॉलोनी ऑफ आर्टिस्ट बन गई वहाँ नए नए आर्टिस्ट लोग आके रहने लगे क्योंकि उनकी एक फेवरेट जगह बन गई थी वो इस कारण से। तो कहानी में आगे ये होता है कि जो दो लड़कियां हैं जॉन्सी और सू ये दोनों लड़कियां पेंटर हैं पेंट करती हैं ड्राइंग बनाती हैं आर्टिस्ट हैं। ये दोनों एक बार एक रेस्टोरेंट में मिलती है और जब आपस में एक दूसरे मीटिंग होती है उनकी तो उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में सिमिलरिटीज़ नज़र आती है वो एक जैसा खाना खाना पसंद करती हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हें एक जैसी लगती है तो इस कारण से वो सोचती हैं कि अगर हम दोनों एक साथ रहें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा और हमारा जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी अच्छी रहेगी इसलिए वो ये सोचते कि हमें एक स्टूडियो हमको एक साथ साथ एक स्टूडियो चलाना चाहिए इसलिए फिर वो वहां पर एक स्टूडियो लेते हैं और उसके अंदर दोनों साथ साथ रहते हैं। आगे कहानी में ये होता है कि नवंबर का महीना है नवंबर के महीने में जो निमोनिया है वो एकदम से फैल रहा है काफी लोगों को निमोनिया हो गया है कई लोग तो इससे मारे भी जा चुके हैं और जो सू है वो तो इसके अटैक से बच जाती है लेकिन जो जॉन्सी है उस वो इससे सफ़र करती है उसको निमोनिया हो जाता है। तो फिर ये होता है कि वो निमोनिया हो जाता है तो वो बिल्कुल मतलब बेड रेस्ट हो जाता है बिल्कुल पलंग पे पड़ी रहती है और वो कुछ नहीं करती। तो जो सू है वो डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि इसका एग्जामिन करो तो डॉक्टर आता है और आकर उसको देखता है तो बताता है कि इसको ये निमोनिया से पीड़ित है और निमोनिया से ज़्यादा तो इसने खुद की इसकी विल इतनी गिर चुकी है कि ये खुद शायद जीना ही नहीं चाह रही और इसकी इच्छा शायद जीने की ख़त्म हो चुकी है काफ़ी लो फील कर रही है डिप्रेस है। डॉक्टर कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब किसी से प्यार करती हो किसी के अफेयर में हो इस कारण से ये डिप्रेशन में आ गई हो इस कारण से इसकी जो जीने की जो इच्छा है वो ख़त्म होती जा रही हो। तो सू है वो मना करती है कि नहीं मैं इसे काफ़ी समय से जानती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है
और फिर उसके बाद में जो डॉक्टर बोलता है कि इसकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब है और इसके सिर्फ 10% चांसेस हैं जीने के, इसलिए डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि तुम इसके साथ में मतलब थोड़ा सा अच्छे से खुश रहकर बर्ताव करो और इसको मतलब ज़िंदगी जीने के अंदर इंटरेस्ट पैदा करो, क्योंकि ये इतनी डिप्रेस है और कि इसका जीने में इंटरेस्ट एक तरह से ख़त्म हो गया है। अगर इसको हम जीने में इंटरेस्ट इसका वापस पैदा नहीं करेंगे तो इसके लिए बहुत ही खतरा पैदा हो जाएगा। तो स्यू डॉक्टर की बात मानती हुई वापस रूम में आती है और ना एक तरह से सीटी बजाती भी आती है और काफ़ी खुश होती है, और वो कोशिश करती है कि जोनसी को भी काफ़ी अच्छा फील करवा सके, और काफ़ी मतलब एक तरह से उसके सामने हंसते बोलने की एक्टिंग करती है, लेकिन उसकी इस एक्टिविटीज़ का जोनसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल आराम से लेटी हुई है और सिर्फ खिड़की के बाहर कुछ देख रही है वो। तो जब सू को लगता है कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो चुपचाप फिर वो अपने कुछ और काम में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद में जो सू है वो नोटिस करती है कि जो जोनसी है वो विंडो के बाहर कुछ देख रही है और देखते हुए काउंट कर रही है, 12, 11, 10, 9, 8, 7 इस तरह से काउंट करती जा रही है। तो जो सू है उससे जोनसी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या बुदबुदा रही हो, क्या बोल रही हो। तो जोनसी है सू को बोलती है कि जो बाहर ईवी नो प्लांट की जो ये लता लगी हुई है उसमें 3 दिन पहले 100 लीव्स 100 पत्तियां लगी हुई थी, लेकिन अब 3 दिन के अंदर ही देखो कल देर खत्म हो गई, अब सिर्फ 12 रह गई हैं, और 12 भी क्या तो साथ ही रह गई हैं। और जब 3 दिन पहले उसने गिनना शुरू किया था जब 100 पत्तियां थी तो उसके सिर में दर्द होने लग गया था, और आज अब 100 से 100 पत्तियों से सिर्फ 7 लीव्स रह गई है ओनली। और उसे ये लगता है, वो जो जॉन से वो बोलती कि जिस दिन इस लता की जो लास्ट पत्ती है, द लास्ट लीफ है, वो जिस दिन गिर जाएगी और शायद हो सकता है आज या कल में गिर ही जाएगी, तो जैसे ही वो गिर जाएगी वैसे ही मैं भी खत्म हो जाऊंगी। तो सू जो है वो जोनसी को बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हारा सही होना नहीं होना ये इस लास्ट लीव से, इस ईवी प्लांट की पत्तियों से क्या लेना देना है इसका। डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर जो सू है वो झूठ बोलती है ताकि उसका जो जोनसी का मोरल अप कर सके। वो झूठ बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा सही होने के चांसेस 90% है, जबकि डॉक्टर ने कहा था 10% ही है, लेकिन वो झूठ बोलती है जोनसी से कि भाई तुम्हारे चांसेस सही होने के 90% चांसेस है, बस तुम्हें अच्छा फील करना पड़ेगा और अपने में मतलब अच्छा महसूस करना पड़ेगा तो तुम सही हो जाओगी। लेकिन जोनसी का जो सू है इसकी बातों का जोनसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो सिर्फ ये सोचती है कि अगर आज रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले, अगर ये जो लास्ट पत्ती है, ये लास्ट लीफ है, अगर ये भी गिर जाती है तो अच्छा है, इसके साथ साथ मैं भी गिर जाऊंगी और मैं भी खत्म हो जाऊंगी। उसके बाद में जो सू है वो नीचे के अपार्टमेंट के अंदर रह रहा एक आदमी जिसका नाम था बहरमैन, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, उसके पास में गई और उसको उसने जो जोनसी है उसकी पूरी स्थिति से अवगत कराया। और तो जो बहरमैन है उसने बोला कि कल से जोनसी क्या पागल हो गई है, जो इस तरह के विचार उसने अपने दिमाग के अंदर आने दिए हैं। तो मतलब उनमें आपस में एक इस तरह से बातचीत होती है। जो बहरमैन है वो ना बताता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपना एक मास्टरपीस बनाएगा, और उसने एक अपना एक कैनवास रखा हुआ है जिस पर उसने बोला है कि वो अपना मास्टरपीस बनाएगा। वो 40 सालों से पेंटिंग कर रहा है और 25 सालों से सोच रहा है कि भाई मैं अपना एक मास्टरपीस बनाऊंगा, एक दिन आएगा जब मैं अपना मास्टरपीस बनाऊंगा। लेकिन वो एक तरह से एक फेलर आर्टिस्ट है, फेल्ड आर्टिस्ट है, क्योंकि उसकी अभी तक कोई पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, और वो मतलब अपनी जो अर्निंग है वो कुछ कॉमर्शियल आर्ट, एडवर्टाइजिंग एंड बाई सर्विंग ए मॉडल फॉर यंग आर्टिस्ट बनकर अपनी ये जो अर्निंग है वो करता है, लेकिन अभी तक अपना कोई मास्टरपीस नहीं बना पाया है। तो सू उसको बोलती है कि वो उसके साथ चले और उसके लिए एज ए मॉडल काम करे। तो पहले तो वो मना कर देता है बहरमैन, लेकिन बाद में जब जो सू है उसको वो ना थोड़ा सा कन्विंस करती है और उसको थोड़ा सा समझाती है, तो उसके बाद में वो रेडी हो जाता है और बहरमैन सू के साथ में उनके ऊपर रूम में वहाँ जाता है। वो वहाँ जाके जॉनसी को देखता है, वो बिल्कुल लेटी हुई है, उसकी तबीयत खराब है। उसके बाद में वो दूसरे रूम में जाकर देखते हैं कि जो खिड़की है, खिड़की से वो जो लता है, ईवी प्लांट की लता है, वो नज़र आ रही है और उस पर पत्तियां खत्म हो चुकी है, मतलब जो लास्ट लीफ है वो भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद में जो बहरमैन है वो एज ए मॉडल काम करता है, और मॉडल काम करता है सू के लिए,
और ना जो सू है रात भर काम करती है और सिर्फ 1 घंटे की नींद ले पाती है। उसके बाद में सुबह होती है, सुबह उठते ही जो जॉन्सी है वो सू को बोलती है कि वो कर्टेन पर्दे को हटाए ताकि वो देख सके कि लास्ट लीफ हट गई है नहीं। तो जब सू पर्दे को हटाती है तो जो जॉन्सी है वो देखती है कि खिड़की के बाहर अभी भी जो दीवार बनी हुई है उस पर एक लास्ट लीफ, ईवी प्लांट की जो लास्ट लीफ है वो अभी भी अटकी हुई है। तो इससे जॉन्सी को बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा सरप्राइज होता है कि भाई इतना तूफान आया था रात को और इतनी बरसात हुई थी रात को, इसके बावजूद ये अभी भी तक भी एक लास्ट लीफ बची हुई कैसी है। तो वो सोचती है कि हो सकता है चलो कल बच गई होगी किसी कारण से, आज तो खत्म हो ही जाएगी। तो वो पूरा दिन निकल जाता है उसका और शाम को देखती है कि लास्ट लीफ अभी भी वहीं पर है और रात हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो पर्दे को हटाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी लास्ट लीफ वहीं पर है, मतलब जो ईवी प्लांट की लास्ट लीफ है अगले दिन भी वहीं पर है। तो इससे जो जॉन्सी है उसमें एक मतलब जीने की इच्छा जाग जाती है कि यार ये इतनी छोटी सी लास्ट लीफ है, इतनी छोटी सी पत्ती है और ये मतलब हर तरह के तूफान को और हर तरह की परिस्थितियों को फेस करते हुए अभी भी मौजूद है, तो मुझे भी जीना चाहिए। और इस तरह से उसमें एक जीने की इच्छा दोबारा से पैदा हो जाती है। और वो अपनी फ्रेंड सू को बोलती है कि मैं कितनी मूर्ख थी, कितनी फूल थी कि मैं मरने के बारे में सोच रही थी। और मरने के बारे में सोचना तो एक तरह से पाप है, गलत बात है, और मैं एक तरह से बहुत गलत चीज़ कर रही थी। उसके बाद में वो बिल्कुल उठ जाती है, उठ के बोलती है कि अब मैं तैयार होंगी अच्छी तरह से और उसके बाद में मैं बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाऊंगी। उसके बाद में डॉक्टर आता है और जोनसी की मतलब जांच करता है तो कहता है कि अब जोनसी के अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है और साथ में वो कहता है कि अगर इस तरह से और इम्प्रूवमेंट आता जाएगा तो जोनसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथ में वो ये भी बताता है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक बूढ़ा आदमी जो कि बरहमन है, जो आपके नीचे रहता था, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, उसको कल निमोनिया ने अटैक किया और उसको अब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अगले दिन डॉक्टर दोबारा से आता है और आकर जोनसी को बताता है, जोनसी को देखने आता है, फिर उसको उसका चेकअप करने के बाद कहता है कि अब जोनसी बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है। और दोपहर में उस डॉक्टर का सू के पास में कॉल आता है और वो बताता है कि जो बहरमैन है वो ख़त्म हो गया है क्योंकि वो निमोनिया से ख़त्म हो गया है। एक्चुअली हुआ ये था कि जो बहरमैन है उसने उस दिन रात को जब बरसात हो रही थी और तूफान हो रहा था तो उसने सीढ़ियाँ लगाकर दीवार पर वो जो लास्ट लीफ, नो एक्चुअली लीव्स तो सारी खत्म हो गई थी, लेकिन उसने क्या दीवार पर जो विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर जो दीवार थी उस पर उसने जो लास्ट लीफ है लीफ उसको ड्रॉ किया था और इतना अच्छी तरीके से ड्रॉ किया था कि कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये ना ड्रॉ की गई है या नेचुरल चीज़ है, सबको नेचुरल ही लग रहा था। इसी कारण से जॉन्सी को भी वो नेचुरल लगा और उसने सोचा कि यार ये लास्ट लीफ तो अभी मौजूद है। तो एक तरह से बर्मन ने अपना जो मास्टरपीस है वो ड्रॉ किया था लास्ट लीफ के रूप में और जोनसी को जीने की नई उम्मीद और जीने का नया विश्वास और नई आशा दी थी जीने का। तो एक तरह से बर्मन ने खुद की जिंदगी देकर, खुद की जिंदगी देकर जो जोनसी है उसकी जिंदगी बचाई। क्योंकि जब वो पेंटिंग कर रहा था रात को, उस रात को वहाँ बरसात हुई थी बहुत और बरसात के अंदर वो भीग गया था और भीगने से उसको सर्दी हो गई थी, निमोनिया हो गया था, इस कारण से वो मारा गया। तो ये सारी बात जो सू है वो जॉन्सी को बताती है कि तुमको नई जिंदगी देने के अंदर जो बैरमैन है उसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि तुमने देखा है ये लास्ट लीफ है, ये हवा चल रही है तब भी मतलब हिल नहीं रही है, मतलब ये बिल्कुल स्टैटिक है, तो ऐसा तो ना पॉसिबल है, एक्चुअली ये जो बैरमैन है उसने ड्रॉ किया था। तो इस तरह से बैरमैन ने तुम्हारी जिंदगी तो बचा ली लेकिन खुद की जिंदगी उसको देनी पड़ी। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। ये बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही टची स्टोरी है कि कैसे एक लड़की के साइकोलॉजिकली दिमाग में ये बात घुस जाती है कि भाई अगर ये लास्ट लीफ अगर ना गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी, तो उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई। और कैसे फिर एक ना बूढ़े पेंटर ने एक अपना जिंदगी का मास्टरपीस बनाया वहाँ पर, और कैसे उसमें जॉन्सी में जीने की उम्मीद वापस पैदा हुई। हालांकि बहरमैन जो बूढ़ा आदमी था वो पेंटर था वो खुद मारा मर गया, लेकिन जॉन्सी के अंदर वो जीने की उम्मीद पैदा कर गया। तो ये बहुत ही अच्छी और स्वीट स्टोरी है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन नजर आता है उसे दबा दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स एंड टेक केयर।